नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल एस के एजुकेशन में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस के बारे में, क्योंकि इस फंगस को कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, ब्लैक फंगस होता क्या है, किस प्रकार से लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप देखिए अंत तक वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। और ये पूरी जानकारी सब हमारे देशवासियों को जानना चाहिए कि हमें प्रिकॉशन किस प्रकार रखना है और इससे बचा किस प्रकार जाता है, ये सब आपकी बेसिक जानकारी सबको होना चाहिए। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें कि ब्लैक फंगस होता क्या है, व्हाइट फंगस होता क्या है, और ये क्या नई डिसीज आई है, कि इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, मेडिसिन क्या होते हैं, क्या इसके पहले ब्लैक फंगस नहीं था, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो जो ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें, तो ये जो फंगस है, ये हम कोई भी फंगस हो, जैसे हमारे वातावरण में कई प्रकार के फंगस पाए जाते हैं, जैसे आप कोई भी अगर आप कोई खाने की चीज़ कुछ दिनों तक आप ऐसे बाहर रख दीजिए, उसमें फंगस लग जाती है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का फंगस है। इसी प्रकार हमारे वातावरण में कई प्रकार के फंगस पाए जाते हैं, उसी में से एक है क्या, ब्लैक फंगस। तो जो हमारा ब्लैक फंगस है, ये हमारे क्या वातावरण में पाया जाता है, जो हमारे एयर में और सॉइल में मौजूद होता है। अब ये बात उठेगी कि यार, जब एयर और सॉइल में मौजूद होता है तो ये तो हर व्यक्ति को फैल सकता है, किसी व्यक्ति की तो नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस उसी व्यक्ति को पकड़ता है जिसकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। क्या होती है, इम्यूनिटी वीक होती है। और खासकर इस समय पर देखा गया है कि कोरोना महामारी में जिस जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट होते हैं और उनकी पहले से इम्यूनिटी वीक होती है, और साथ में उन्हें अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी में काफी असर पड़ता है, जिस कारण उनको ब्लैक फंगस की ये जो बीमारी है ये पकड़ लेती है। तो ये जो ब्लैक फंगस का नाम है, ये एक प्रकार का क्या है, मिथ्या है। इसका नाम ब्लैक फंगस ऐसे नहीं पड़ा है, हम चर्चा करेंगे कि इसका नाम ब्लैक फंगस कैसे पड़ा। इसको एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि ब्लैक फंगस को म्यूकोर माइकोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूकोर माइकोसिस। तो अब बात करते हैं ब्लैक फंगस एक्चुअली में क्या होता है। तो जब हम कहीं वातावरण में जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो हमारे शरीर में क्या, इस ये फंगस इफेक्ट करता है। और ये एक्चुअली में ब्लैक कलर का नहीं होता है, ये जब इफेक्ट करता है, आप जैसे इमेज देख सकते हैं, ये हमारे शरीर के सेल्स की इमेजेस हैं, तो इसमें जब ये ब्लैक फंगस इफेक्ट करता है तो हमारी जो सेल होती है वो डेड हो जाती है, और जो सेल्स अपने शरीर हमारे शरीर की डेड होती है वो वहां पे क्या होता है, काला धब्बा पड़ जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक फंगस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है। अब लक्षण की बात करें तो खासकर अभी के दिनों में देखा गया कि जब कोविड पेशेंट हमारे घर गए तो उनको हेडेक हुआ, है ना, और आंखों में क्या हुआ कि पेन होने लगा, वो अपने विजन खोने लगे, और आपके ये जो फेशियल होते हैं, फेशियल पेन होने लगा, नोजल पेन होने लगा, इस प्रकार की दिक्कतें ये इसके लक्षण में पाई जाती हैं, किसके, ब्लैक फंगस के। तो अब ये देखा गया कि किसको होने का खतरा सर्वाधिक होता है ब्लैक फंगस। तो याद रखिएगा, जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है, कैंसर है, HIV है, या फिर वो किसी प्रिस्क्रिप्शन के साथ एस्टेरॉइड का सेवन अधिक करता है, तो ऐसे व्यक्तियों की इम्यूनिटी क्या होती है, हमेशा वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होती है, अगर वो कोविड पॉजिटिव भी हो गया तो उसके कारण क्या होती है, उसकी इम्यूनिटी पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इस कारण क्या होता है, उसे ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। यहां तक देखा गया है कि ब्लैक फंगस इतना ज्यादा असर दिखाया है कि कई व्यक्तियों की आंख में आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, और आपके आंखों के नीचे काले काले क्या पड़ेंगे, चित्ते। तो वो जो काले काले दाग पड़ते हैं वो क्या होता है, आपकी सेल्स को क्या करता है, ब्लैक फंगस खत्म करने लगता है। जब आपकी सेल्स खत्म होती हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपकी आंखों को भी निकालना पड़ जाता है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन ब्लैक फंगस का हो गया तो आपकी आंखों को, जिस भी पार्ट पर आपके शरीर पर हो रहा है, खास करिए हाथों में, पैरों में, आंखों में, इस तरह से ज्यादा इफेक्ट दिखाता है ब्लैक फंगस। तो आपको अब इसमें क्या है, आपको प्रिकॉशंस क्या लेना है,
अब बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेना है। तो खासकर आपको अब यहाँ पे ये देखना है कि जो आपको अपना शुगर, जो भी शुगर पेशेंट है यहाँ पे, अपने को अपना शुगर शुगर अंडर कंट्रोल रखना है। आपका शुगर, आप जो भी अपनी अपनी दवाई लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, आपको अपना शुगर कंट्रोल रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज होती है, आपको एस्टेरॉइड को अवॉइड करना पड़ेगा। खासकर देखा गया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोग बाग दवाई लेते हैं तो उनमें भी कुछ मात्रा में एस्टेरॉइड पाया जाता है, जिस कारण अधिक, जब वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के अधिक दवाई लेने लगते हैं तो उनको भी ये जो ब्लैक फंगस होने की संभावना अधिक हो जाती है। और आपको खासकर याद रखना है कि मास्क का इस्तेमाल। अब मास्क का इस्तेमाल कैसे, आपकी अगर इम्यूनिटी कमजोर है, आप अगर डस्ट वाले इलाके पर जा रहे हैं तो सॉइल में, एयर में ब्लैक फंगस हमेशा से, फंगस ये मौजूद होता है। और आपकी अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो ये आपको पकड़ने की इसकी संभावना क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए आपको इन तीन चीजों का खासकर अपने जीवन पे आपको लागू करना है कि आपका शुगर अंडर कंट्रोल हो, आप स्टेरॉइड लेना कम करें, आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के मत लें, और मास्क का तो हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कोविड से लेकर आपको ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, जो भी फंगस आएंगे, ये सब चीज से आपको क्या, मास्क बचाएगा। अब बात करते हैं कि मेडिसिन क्या है, मेडिसिन इसकी दवाई क्या है, क्या इसका इलाज कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने एम्फोथेरिसिन बी इस इंजेक्शन को अथॉरिटी दी है कि इस इंजेक्शन का उपयोग क्या किया जाए, ब्लैक फंगस के इलाज में किया जाए। तो अभी खासकर जिस स्थिति में चल रहा है, करीब 12 से 13 राज्यों ने इसे क्या किया है, महामारी घोषित कर दिया है, तो इस इंजेक्शन की सहायता से क्या किया जा रहा है, इसका ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है। तो अब ये रही पूरी सामान्य जानकारी आपकी, किसके बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में। तो अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आगामी दिनों में जो भी वीडियो लाते हैं तो आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।